जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे, यूरोप के राष्ट्रवाद को समझ रहे थे, और यूरोप के राष्ट्रवाद में हम लोग ऑस्ट्रिया को पढ़े कि ऑस्ट्रिया किस तरह इटली के एकीकरण में बाधा बना, किस तरह उसने चार्ल्स एल्बर्ट को पराजय किया और फिर से मेजनी को पलायन करवा दिया इंग्लैंड और फिर से अपना शासन सत्ता को इटली में ले आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1830 से लेके 1848 तक लेके कोई भी एकीकरण का समस्या को सुलझा नहीं पाया, चाहे वो मेजनी हो क्यों ना हो। इटली का एकीकरण 1848 तक नहीं हो पाया था। इटली का प्रथम चरण हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे, और इटली के प्रथम चरण में हम लोग देखे थे किस प्रकार मेजनी अपना बहुत सहयोग दिया इटली के एकीकरण में, बहुत ज्यादा अथक प्रयास किया, फिर भी अंत में जाकर उसका पराजय हो जाता है और अंत में जाकर उसको पलायन करना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम एकीकरण का द्वितीय चरण को पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं अगर एक ही चरण पहला फेल होता है तो दूसरा एकीकरण फिर से आ जाता है, एकीकरण का द्वितीय चरण फिर से आ जाता है। तो एकीकरण के द्वितीय चरण पर हम ध्यान देंगे और एकीकरण के द्वितीय चरण को समझने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो तक कवर कर चुका था कि 1848 तक एकीकरण असंभव हो गया था, 1848 तक एकीकरण नहीं हो पाया था, जिससे जन जागरूकता और बढ़ने लगी, राष्ट्रीयता भावना और जगने लगी। क्यों? क्योंकि एकीकरण मेरे राष्ट्र में नहीं हुआ है, मेरे राष्ट्र का जनता, मेरे देश का जनता सब एक जगह मिलकर एकीकृत हो गए हैं और राष्ट्रवादी भावना उनमें जगने लगी है। राष्ट्रवादी भावना क्या होने लगी? जगने लगी और जन जागरूकता फैलने लगी, जिससे सर्डिनिया और पिडमोंट का एक नया शासक बनता है। कौन? विक्टर इमैनुएल। नाम क्या? विक्टर इमैनुएल। अब विक्टर क्या करता है कि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था। राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब क्या? राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब वह व्यक्ति जो पुरातन व्यवस्था को लागू करना नहीं चाहता था, वह व्यक्ति जो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, वह व्यक्ति जो जनता के ऊपर शोषण नहीं करना चाहता था बल्कि जनता का प्रमोट करना चाहता था कि राष्ट्रवादी भावना में वो लोग भी एकत्रित हो, ठीक उसी प्रकार का राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था। कौन? विक्टर इमैनुएल। उसने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया काउंट काबूर को। काउंट काबूर अपने आप में एक सफल व्यक्ति, अपने आप में एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, और उसने अपना सफल कूटनीतिज्ञ का पूरा प्रचार किया। इस पूरे बोर्ड में जो है सबसे ज्यादा काउंट काबूर के बारे में हम पढ़ेंगे। काउंट काबूर कौन था? प्रधानमंत्री उसको नियुक्त क्यों किया? विक्टर इमैनुएल। तो क्यों? राष्ट्रवादी विचारधारा का था विक्टर। मैंने पिछले वीडियो में भी यह भी कहा है कि जो अपने अंदर जो मैं, अगर हम पुरातन व्यवस्था को लागू करने वाला व्यक्ति है तो हम चाहेंगे मेरे अंदर में जो व्यक्ति रहे वो भी पुरातन व्यवस्था को लागू करने वाला व्यक्ति बन जाए, ठीक उसी प्रकार वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था विक्टर। तो वो भी चाहता था कि मेरे अंदर जो भी व्यक्ति रहे वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा का बने। तो ठीक उसी प्रकार उसने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? काउंट काबूर को नियुक्त करता है। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ। सफल कूटनीतिज्ञ मतलब? सफल कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है जो राजनीति में सबसे आगे, जिसका एक एक बुद्धि बुद्धि से भरपूर, उसको कहते हैं कूटनीतिज्ञ, सफल कूटनीतिज्ञ। जैसे हमको अगर अभी किसी भी राष्ट्र में आग लगाना है तो हम किसी को भेज देंगे, जो मेरे घर में, अगर हमको दूसरे घर में आग लगाना है तो मेरे घर में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि जाइए उसके घर में फूट डाल दीजिए, तो उसी को कहते हैं कूटनीतिज्ञ। क्या कहते हैं? कूटनीतिज्ञ कहते हैं। और यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कौन? काउंट काबूर। इटली के एकीकरण में यह समझता था कि इटली का एकीकरण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। इसमें समझना नहीं था, हम लोग पिछले वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में हम लोग इटली का एकीकरण को बाधा में देखे, कौन सबसे पहले आके घुस जाता था? ऑस्ट्रिया। जहां भी एकीकरण का बात आया ऑस्ट्रिया घुस जाता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया क्या था? एक राष्ट्र था। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि पुरातन व्यवस्था यहां पर लागू हो और इटली का एकीकरण ना हो, तो ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है? ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, देखिए एक कूटनीतिज्ञ का अपना पहचान कैसे देता है काउंट काबूर। काउंट काबूर अपनी सफल कूटनीतिज्ञ का
प्रचार कैसे करता है और किस तरह अपना सफल कूटनीतिज्ञ को प्रमोट करता है कि वो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया को हम पराजित कर दे, क्योंकि हम उसका मानना यह था कि ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ा बाधा है एकीकरण को, अगर ऑस्ट्रिया को हम हटा दें तो मेरा एकीकरण संभव हो सकता है, मेरा एकीकरण आगे बढ़ सकता है। तो ठीक उसी को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से वो दोस्ती करता है। किससे दोस्ती करता है? फ्रांस से दोस्ती करता है। कौन दोस्ती करता है? तो काउंट काबूर दोस्ती करता है। अब बोलता है कि अगर फ्रांस अगर ऑस्ट्रिया हम पे वार करता है तो आप मेरा सैन्य समर्थन करेंगे, क्या करेंगे? आप मेरा सैन्य समर्थन करेंगे। तो ऐसे ही वो फ्रांस से सिर्फ जाके इसी तरह दोस्ती नहीं कर लेता है। फ्रांस से दोस्ती करने के लिए उसको क्रीमिया का युद्ध होता है 1853-54 में। क्रीमिया के युद्ध ना सिर्फ हम यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध, जिसमें काबूर जो है फ्रांस की ओर से भागीदारी करता है। आप जैसे मान लीजिए ये फ्रांस है और ये ऑस्ट्रिया है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो काबूर क्या करता है कि हम जाके किसका सपोर्ट कर दिए? फ्रांस का सपोर्ट, जबकि फ्रांस हमको बुलाया भी नहीं है, हम जाके सब सपोर्ट कर दिए किसका? फ्रांस का। तो ठीक उसी प्रकार फ्रांस की को बिना कहने पर वो जो है क्रीमिया के युद्ध में किसका सपोर्ट करता है? तो फ्रांस का सपोर्ट करता है। कौन? काउंट काबूर। अपना सैन्य शक्ति को भेजता है, कहां? फ्रांस भेजता है कि जाइए आप लड़िए फ्रांस की ओर से। तो युद्ध जब समाप्त होता है, अब क्रीमिया का जो युद्ध शुरू होगा तो वो समाप्त होना लाजमी है। तो ठीक उसी प्रकार जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो पेरिस का शांति सम्मेलन होता है, क्योंकि जब युद्ध जब शुरू होता है तो उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई सम्मेलन, कोई ना कोई संधि किया जाता था पहले के समय में। तो ठीक उसी प्रकार पेरिस का शांति सम्मेलन होता है। जब पेरिस का शांति सम्मेलन होता है तो उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कि दोनों लड़ रहा था तो दोनों आया, तो इसमें पिडमाउंट को भी बुलाया। किसको बुलाया? पिडमाउंट का को भी बुलाया। पिडमाउंट को बुलाया तो कौन जाएगा? काउंट काबूर, क्योंकि काउंट काबूर वहां का कौन था? प्रधानमंत्री था। तो पिडमाउंट को जाना वहां संभव था। अब मान लीजिए कि जहां जिसका कोई पूछ नहीं हो रहा था, आपके घर में अगर आपका पूछ नहीं हो रहा है और अचानक से आपके घर में आपका पूछ होने लगे तो आपका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार पिडमाउंट का शासक, पिडमाउंट का प्रधानमंत्री काउंट काबूर के साथ हुआ। काउंट काबूर के साथ क्या हुआ कि पेरिस का शांति सम्मेलन में पिडमाउंट को भी बुलाया, जिससे उसकी महत्ता बढ़ गई। क्या होने लगी? महत्ता बढ़ गई। अब पिडमाउंट जैसे शांति सम्मेलन में गया, मतलब काउंट काबूर जैसे शांति सम्मेलन में गया, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप जो इटली में कर रहा था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ऑस्ट्रिया जितना भी इटली में आक्रमण कर रहा था या घुस के कुछ भी कर रहा था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब ऑस्ट्रिया अब मेरा राष्ट्र में अगर आया तो अब ऑस्ट्रिया से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम गैर कानूनी तरीके से मेरे राष्ट्र में घुस रहे हो, तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। इससे बुरा? हमसे बुरा। हमसे बुरा मतलब कौन? हमसे बुरा मतलब इटली से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इटली जो है पेरिस का शांति सम्मेलन में उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। क्यों? किसको? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और इसी मामला से क्या हुआ कि इटली का समस्या अब ना सिर्फ इटली का रह गया था, ना सिर्फ फ्रांस का रह गया था, अब इटली को पूरे राष्ट्र का समस्या बना दिया गया था। इटली को पूरे राष्ट्र की समस्या बना दी गई थी। नेपोलियन तृतीय, देखिए फ्रांस का शासक राजा कौन? नेपोलियन तृतीय था। फ्रांस का शासक व राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय था। अब नेपोलियन तृतीय जो है संधि किया फ्रांस के साथ, मतलब नेपोलियन तृतीय के साथ काउंट काबूर संधि करता है कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जब भी युद्ध होगा तो तुम मेरा सैन्य समर्थन करेगा। कौन करेगा सैन्य समर्थन? नेपोलियन को बोला कि नेपोलियन अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुई तो तुम मेरा सैन्य समर्थन करोगे। तो नेपोलियन बोला ठीक है, उसके बदले तुम हमको क्या देगा? तो हम तुमको नीस और सेवाय प्रांत देंगे। नीस और सेवाय प्रांत देंगे। प्रांत का अर्थ क्या होता है? प्रांत का मतलब होता है वह क्षेत्र जो राजा महाराजाओं के द्वारा राज किया जाता है। तो ठीक वही नीस और सेवाय प्रांत को देने का बात किया कौन? नेपोलियन को देने का बात करता है काउंट काबूर। और काउंट काबूर बोलता है नेपोलियन मेरा सपोर्ट करेगा किसमें? फ्रांस और ऑस्ट्रिया का जब युद्ध होगा। बोला ठीक है हम कर देंगे। अब फ्रांस आश्वासन देता है, मतलब नेपोलियन तृतीय आश्वासन देता है कि उत्तर और मध्य इटली का तुम एकीकरण कर लो। उत्तर और मध्य, मतलब उत्तर का पार्ट और बीच का पार्ट, मींस मध्य का पार्ट को तुम मिला लो किसमें? पिडमाउंट में। इटली का एकीकरण पिडमाउंट में कर लो, लेकिन वो किससे मिलाना? जनमत संग्रह से मिलाना। मतलब जनता बोलेगा कि मिलाने तो मिलाएगा। अब जनता कैसे बोलेगा?
अब काउंट काबूर किसके पक्ष में काम कर रहा था? काउंट काबूर किसके पक्ष में काम कर रहा था? जनता के पक्ष में काम कर रहा था। तो वो राष्ट्रवादी विचारधारा का लोग था। कौन से विचारधारा का लोग था? वो राष्ट्रवादी विचारधारा का लोग था। वो चाहता था कि मेरा राष्ट्र आगे आए, क्योंकि वहां जनवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी विचारधारा का बहुत सारा लोग था। तो काउंट काबूर जानता था कि मेरे पक्ष में जनता है। जनता क्या है? मेरे पक्ष में है। तो ठीक उसी प्रकार बोला कि ठीक है, फ्रांस जो है उसके आश्वासन से, फ्रांस के आश्वासन से जनमत संग्रह जो कहा था, तो काउंट काबूर बोल दिया कि ठीक है, आप जैसा बोलिए होगा, मतलब जनमत संग्रह से ही होगा। तो बोला ठीक है, जनमत संग्रह से करना चाहेंगे, जनमत संग्रह से हो जाएगा। काबूर की आलोचना होने लगी। अब देखिए कि वहां का लोग कैसा था। अगर हम दो राष्ट्र को देकर पूरा इटली का एकीकरण कर लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम दो राष्ट्र को देकर हम पूरे इटली का एकीकरण कर लें, दो प्रांत को देकर अगर हम इटली का एकीकरण कर लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहां मेरा राष्ट्र पूरे फूट विभिन्न विभिन्न पार्ट में बटा हुआ है, वही अगर हम दो पार्ट को दे दें किसी को और पूरे राष्ट्र को मिला ले तो इससे बुरी बात नहीं है। लेकिन वहां पर काबूर की आलोचना होने लगी कि बोला गया नहीं, ये तुम खिलवाड़ कर रहे हो, तुम हमारे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो 1859-60 का समय होता है, ऑस्ट्रिया और पीडमोंट में सीमा संबंधित विवाद होता है। कि ऑस्ट्रिया बोलता है कि इतना सीमा के अंदर का क्षेत्र, मतलब पीडमोंट में जो सीमा के अंदर का क्षेत्र था, बोलता है ऑस्ट्रिया क्यों मेरा है। ऑस्ट्रिया क्या बोलता है? वो मेरा है, पीडमोंट का तो क्षेत्र है ये था, पीडमोंट का क्षेत्र क्या था, है ये था। तो पीडमोंट बोला नहीं मेरा है। तो अब सीमा संबंधित विवाद होने लगा। अब जैसे विवाद कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, पहले से नेपोलियन तृतीय के साथ संधि किया हुआ था। नेपोलियन तृतीय के साथ क्या किया हुआ था? संधि किया हुआ था। नेपोलियन तृतीय तुरंत अपना सेना को भेज दिया, लो खत्म कर दो ऑस्ट्रिया को। तो ऑस्ट्रिया को क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है? पराजित होता हो जाता है। ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा राज लैम्बोर्डी, कौन सा राज? ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा राज लैम्बोर्डी हुआ करता था, और उस पे हक कौन जमा लिया? पीडमोंट कब्जा कर लिया। बोला ए इधर पीडमोंट लैम्बोर्डी ला हमको। कौन बोलता है? पीडमोंट बोलता है। पीडमोंट में कौन? काउंट काबूर बोलता है। काउंट काबूर कौन? एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी हुआ करता था। नेपोलियन इटली की राष्ट्रवादी से घबराने लगा। अब देखा कि इटली तो पूरा राष्ट्रवादी पूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ रहा, इटली का एक एक जनता राष्ट्रवादी बनते जा रहा है। अब नेपोलियन इससे धीरे धीरे घबराने लगा। नेपोलियन अपना जितना भी सेना था उसको युद्ध में भेजा हुआ था, और युद्ध वेनेसिया का युद्ध था, और वही वेनेसिया का युद्ध जीतने के बाद वो तुरंत अपना सेना बुला लिया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन का संधि क्या हुआ था कि आप मेरा फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ जब भी युद्ध होगा तो आप मेरा सैन्य समर्थन देंगे। तो वो वेनेसिया विजय के बाद कहां अपना सेना को बुला लिया? अपने सेना को वो वेनेसिया के बाद तुरंत वो पीडमोंट में बुला लिया, क्योंकि जान रहा था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया उसके ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पराजय होने के बाद भी नेपोलियन एक अच्छा दिमाग लगाया था। युद्ध खत्म होता है, अब ऑस्ट्रिया और पीडमोंट के बीच जो सीमा संबंधित विवाद चल रहा था उसमें युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया और पीडमोंट दोनों को बुलाता है। फ्रांस बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था, फ्रांसीसी क्रांति से सब समझ गया था कि नेपोलियन कैसा व्यक्ति है, नेपोलियन का आने वाला पीढ़ी जो होगा वो कैसा व्यक्ति होगा। तो ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रिया और पीडमोंट जो है उसको दोनों को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग दोनों आपस में मिलजुल कर रहो, खुशी खुशी रहो, क्या दिक्कत है? तो बोला कि दिक्कत कुछ नहीं है, उसको बोलिए मेरा लैम्बोर्डी दे देगा और आप पीडमोंट जो है आप ले लीजिए। तो लैम्बोर्डी पर किसका अधिकार? बोला पीडमोंट का अधिकार। पीडमोंट काउंट काबूर का अधिकार लैम्बोर्डी पर हो गया और ऑस्ट्रिया वेनेसिया ले लिया। वेनेसिया कहां का राष्ट्र था? वेनेसिया जो था अभी भी इटली का ही पार्ट था, लेकिन ऑस्ट्रिया को संधि में दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को संधि में दे दिया गया क्यों? क्योंकि नेपोलियन बुलाया, नेपोलियन शक्तिशाली और वो चाहता था कि मध्यस्थता हो जाए दोनों के बीच में, दोनों साथ सुखी सुखी रहे। तो अतः क्या हुआ, इटली में एक बड़ा राज्य बड़ा रूप से सामने आया, इटली एक बड़े रूप में सामने आया, क्योंकि पीडमोंट में उत्तर और मध्य इटली में पीडमोंट में मिल गया। अब उत्तर और मध्य तो मिल गया लेकिन दक्षिण अभी दक्षिण जो है अभी तक नहीं मिला। नेपोलियन को सेवाय प्रांत देने से लाभ यह हुआ। आप नेपोलियन देखिए सफल कूटनीतिज्ञ, सही इसको नहीं कहा गया था किसको? काउंट काबूर को।
नेपोलियन को जो है वो सेवाय प्रदेश दे के, सेवाय और निस प्रदेश दे के, वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जो भी युद्ध होता था फ्रांस को निष्क्रिय बना दिया कि तुमको कोई मतलब नहीं, हम ऑस्ट्रिया को उड़ा देंगे, तुमको कोई मतलब नहीं, तुम खाली मेरा सपोर्ट करते रहो। तो ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रिया डर गया कि फ्रांस और इंग्लैंड किसका सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस और इंग्लैंड जो है इटली का सपोर्ट कर रहा है, पिडमॉन्ट और सर्डिनिया का सपोर्ट कर रहा है। तो 1862 का समय जिसमें सभी राज्यों का विलय हो जाता है, क्या हो जाता है, सभी राज्यों का विलय हो जाता है, जिसमें पिडमाउंट में और लेकिन सिवाय दक्षिण के राज्य को छोड़कर, दक्षिण इटली और वेनेसिया को छोड़कर पूरा राज्य जो है इसमें पिडमाउंट में मिल जाता है। अब समय है, अब बात उठती है कि दक्षिण को क्यों नहीं मिलाया गया, क्योंकि दक्षिण में वेनेसिया, दक्षिण इटली में वेनेसिया, अब वेनेसिया पहले से संधि किसको कर दिया गया था, ऑस्ट्रिया को कर दिया गया। तो अब जब दक्षिण पार्ट नहीं मिला तो अभी भी इटली के व्यक्ति के मन में अभी भी कुछ जनतंत्रवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना अभी भी जगी हुई थी कि अभी कहाँ, अभी तो हमको दक्षिण भी लेना है। तो ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति आता है, गोरिबाल्डी, किस व्यक्ति का नाम था, इस गोरिबाल्डी के बारे में आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे, गोरिबाल्डी था कौन और थोड़ा सा कुछ भूमिका उसका पढ़ेंगे। गोरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था, दक्षिण में पैदा हुआ व्यक्ति था, दक्षिण इटली में पैदा हुआ व्यक्ति था, वो जनता के ऊपर शोषण किया जा रहा था ऑस्ट्रिया के द्वारा, क्योंकि ऑस्ट्रिया वेनेसिया पर किसका अधिकार, ऑस्ट्रिया का अधिकार। तो गोरिबाल्डी पूरे संघर्ष के साथ एक महान क्रांतिकारी बना और नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति को देखा कि किस तरह संघर्ष उसके हो रहा था, किस तरह अत्याचार हो रहा था दक्षिण इटली के ऊपर। तो दक्षिण इटली के ओर से गोरिबाल्डी आता है एक महान क्रांतिकारी और दक्षिण इटली के रियासतों का एकीकरण करना चाहता था। दक्षिण इटली का जितना भी रियासत था उसको कौन एकीकरण करना चाहता था, गोरिबाल्डी, और वो गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। गणतंत्र का मतलब कौन क्या, कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाए तो उसे गणतंत्र कहा जाता है। गोरिबाल्डी था कौन, एक नाविक था, पैसे से क्या वो पहले नाविक था, जब बचपन से वो अपने पिता को देखा तो पिता नाविक, बेटा भी नाविक। गोरिबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था, मेजनी राष्ट्रवादी विचारधारा का लोग था, ठीक उसी प्रकार गोरिबाल्डी भी राष्ट्रवादी विचारधारा का लोग था। बाद में काबुर से प्रभावित हो गया, काबुर भी अपने शासनकाल में अच्छा ही काम किया, एक सफल कूटनीतिज्ञ का प्रचार दे रहा था, तो काबुर से भी वो प्रभावित हुआ और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। कि संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, राजतंत्र में जो जो भी संविधान आएगा वो राजाओं के तंत्र के सिवा नहीं चलेगा, मीन्स राजा उस पर तंत्र ना करे, राजा उस पर ये ना करे, जो भी राजतंत्र संविधान जब बनेगा तो वो लोगों के लिए बनेगा, लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। तो वही संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर कौन बन गया, गोरिबाल्डी बन गया। गोरिबाल्डी कैसे एक महान क्रांतिकारी बना, वो कर्मचारी और स्वयं सेवक, स्वयं सेवक मतलब जो अपना सेवक रह सके और दूसरों का भी सेवा कर सके उसे स्वयं सेवक कहते हैं। तो वही कर्मचारी और स्वयं सेवक का सशस्त्र सेना बनाया, सशस्त्र सेना बनाया जो शस्त्र से अस्त्र से लेस था, उसी का सेना बनाया कौन, गोरिबाल्डी बनाता है। अभी सैनिक अपने से कर्मचारी लोग का सैनिक था, जो पूरे संघर्ष को देखा, अत्याचार को देखा, स्वयं सेवक तो लोगों के लिए ही बनता है, तो पूरे संघर्ष पूरे अत्याचार को देखा तो वो सैनिक के मन में आक्रोश कि नहीं, हम तो इटली को पूरा एकीकरण करेंगे, चाहे वो दक्षिण रहे चाहे वेनेसिया रहे, पूरा इटली मेरा है तो मेरा है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो सैनिक वहां का क्या किया, सिसिली और नेपल्स जिसपे पोप का शासक था, जिसपे पोप राज कर रहा था, मतलब वेनेसिया का ऑस्ट्रिया राज कर रहा था, सिसिली और वेनेसिया पर, सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया, और यहाँ की जनता किसको, गोरिबाल्डी का समर्थक बन गया। मीन्स यहाँ की सिसिली और नेपल्स के ऊपर शुरू से अत्याचार किया जा रहा था क्योंकि वहां ऑस्ट्रिया का शासक था पोप, तो अब सिसिली नेपल्स का जितना भी जनता होगा किसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो बोलेगा भैया हमको छोड़ा लीजिए यहाँ। तो ठीक उसी प्रकार गोरिबाल्डी का समर्थक कौन बन जाता है, वहां का लोग, कहां का लोग, सिसिली और नेपल्स का लोग, और यहां गणतंत्र का स्थापना कर देता है। कहां गणतंत्र का स्थापना करता है, सिसिली और नेपल्स। तो इस तरह सिसिली और नेपल्स को वो फिर से पिडमॉन्ट में मिला देता है। तो आने वाले वीडियो में हम गोरिबाल्डी के बारे में और पढ़ेंगे, पूरा उसका भूमिका को पढ़ेंगे, वो किस प्रकार इटली का एकीकरण में सहयोग किया, और उसके जस्ट बाद जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि जर्मनी भी एकीकरण की समस्या से जूझता रहा, क्योंकि ऑस्ट्रिया वहां पर भी अपना
शक्ति का प्रदर्शन किया, स्त्रिया वहां पर भी टांग अड़ाया, वहां पर भी हस्तक्षेप किया, तो वहां के जनता पर भी अत्याचार किया। तो अब आने वाले वीडियो में हम जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरे इटली का एकीकरण। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।